good morning students today we are going to read the remaining part of this lesson uh, before reading we have to do some questions from comprehension check first question number first what tasks do you think were assigned to the dog and the ox dog or ox ko kon kon se kam diye answer the dog was assigned to fetch and carry things डॉग को काम दिया गया चीजों को लाना और उठाना एंड द ओक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लॉइंग द लैंड और बैल को जो काम दिया गया वो खेत को या जमीन को जोतना सेकेंड वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट कैमल जो था वो डेजर्ट के रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क यानी कि वो डेजर्ट के बीच में रहना चाहता था रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था ही एट स्टिक्स एंडल्स यानी कि वो छड़िया थोन्स एंड पिकल्स मीन्स कांटे ये सब चीजें वहां पे खाता रहता था क्वेश्चन नंबर थर्ड वट मेड द डोग द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री यानी कि किस बात ने घोड़े को डोग को और ऑक्स को बहुत गुस्सा दिला दिया द डोग द हॉर्स एंड द ऑक्स हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क तीनों को ही अलग मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ा अतिरिक्त काम करना पड़ा वाइल्ड द कैमल डे नोट वर्क जबकि कैमल ने ऊँट ने कोई काम नहीं किया दिस मेड दैम वेरी एंग्री और इस बात ने उनको बहुत नाराज़ कर दिया क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द जिन नो दैट हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अंगेंस्ट द कैमल जिनको कैसे पता चला कि जो घोड़ा था वो कैमल यानि कि ऊंट के खिलाफ शिकायत कर रहा था आंसर इज द जिन केम टू नो दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अंगेंस्ट द कैमल बाय द वे द हॉर्स एक्सप्लेन हिम जिनको पता चला कि जिस तरीके से बाय द वे मतलब जिस तरीके से हॉर्स ने एक्सप्लेन किया घोड़े ने वर्णन किया कैमल के बारे में तो उसे लगा जिनको कि ये उसके बारे में शिकायत कर रहा है ऊंट के बारे में ही डिस्क्राइब द कैमल एज अ थिंग उसने कैमल को एक ऐसे जीव के रूप में वर्णित किया इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट जो डेजर्ट के बीच में बैठा है विद अ लोंग नेक जिसकी गर्दन लंबी है एंड लोंग लेग और लंबी लंबी टांगे हैं तो इस तरीके से उसने उसका वर्णन किया और इससे लगा जिनको कि वो कैमल के बारे में शिकायत कर रहे नाउ लेट स्टार्ट द लेसन सेकेंड पार्ट द जिन रिमोन्स्ट्रेटिड रिमोन्स्ट्रेटिड मीन्स कम्पलेन प्रोटेस्ट करना कंप्लेन करना शिकायत करना विद द कैमल हु सेड हम्प जिन ने कैमल को शिकायत की इस बात की कैमल जो कि हम्प बोलता था द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रुआ लम्प और जो सुंदर सी पीठ थी कैमल की वो अचानक ही ऊपर उठना शुरू हो गई लंप होता है ढेर एक ढेर की तरह ऊपर उठनी शुरू हो गई विच वॉज कैमल्स हम्प जो कैमल का हम्प बनी जो कैमल की कैमल का एक तरह से कुबड़ थी जिन एश्योर्ड हिंड्रेंस और जिन ने फिर विश्वास दिलाया कैमल को कि उसका जो हम्प है वुड ऑलवेज बी हेल्प वो हमेशा उसकी सहायता करेगा नोट हिंड्रेंस वो एक बाधा नहीं होगा एक रुकावट नहीं होगा जिन रोल्ड हिम सेल्फ अप रोल्ड अप मीन्स गोल गोल घुमाते हुए ऊपर ले जाना इन ही डस्ट क्लोक अपने धूल के चोगे में और जिनने अपने आप को एक तरह से ऊपर ले गया वो धूल के एक चोगे में बादल सा एक उठा धूल का और ऊपर ले गया एंड टू का वोक एक रोस्ता डेजर्ट और उसने सारे रेगिस्तान की एक वॉक की यानी कि वो घूमा सारे डेजर्ट में रेगिस्तान में एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वॉटर और उसने फाउंड में पाया कि जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन को अपनी परछाई को पूलो, पूलो एक तालाब के पानी में पानी में वो देख रहा था अपनी परछाई को तो कैमल ने उसको वहां पे पाया माई फ्रेंड सेट द जिन जिन ने कहा कि मेरे दोस्त वट इज दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क यानी कि मैं ये क्या सुनना सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम काम नहीं कर रहे हो द जिन सेट डाउन जिन बैठ गया विद हिज चिन्ह इन हिज हैंड और अपने चिन्ह के नीचे उसने अपना हाथ रख लिया ठोड़ी के नीचे हाथ रख लिया वाइल्ड द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन दूल ऑफ फोटर जबकि कैमल अभी भी क्या कर रहा था वो पुल के पानी में अपनी खुद की परछाई देख रहा था यू हैव गि थ्री एक्स्ट्रा वर्क एवर मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस यानी तुमने तो तीन दिन का एक्स्ट्रा काम उन तीनों को दे दिया मंडे मॉर्निंग से तुम काम नहीं कर रहे हो तो ये तीन दिन का एक्स्ट्रा काम तुम्हारे आइडलपन के कारण सॉरी आइडलनेस के कारण यानी कि तुम्हारे निकम्मेपन के कारण ये तीन दिन का काम एक्स्ट्रा हो गया द जिन ने कहा एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद चिन इन हिज हैंड और अपने हाथ के नीच, अपने ढोड़ी के नीचे हाथ को रखकर सोचते हुए वो वेंट ऑन मीस कहता गया बोलता गया हम द कैमल और फिर कैमल ने ये बात के कहा हम्प आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेट द जिन जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे यह दोबारा नहीं कहना चाहिए था यू माइड से इट वॉन्स टू ओफन यानी कि हो सकता है कि तुम एक बार और इसे बोलो आई वॉन्ट यू टू वर्क मैं तो अब तुमसे काम चाहता हूं यानी कि मैं चाहता हूं कि अब तुम काम करो एंड द कैमल सेट हम्प अगेन और फिर दोबारा से फिर कैमल ने हम्प बोल दिया बट नो सोनर हैड ही सेट इट देन ही सो हिज बैक पर जैसे ही उसने ये कहा उसने अपनी पीठ को देखा दैट ही वो सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इन टू अ ग्रेट बिग हम्प जैसे उसने अपनी पीठ को देखा तो उसने देखा पफिंग मतलब फूलना कि उसकी जो पीठ थी वो फूलती गई फूलती गई और एक बहुत बड़े बिग हम्प में यानी कि एक बड़े बड़े से हम्प में बदल गई या उसका एक बड़ा सा हम्प बन गया हम्प मतलब कुबड़ बन गया डू यू सी दैट सेट दिन जिन ने कहा कि क्या आप देखते हो दोर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपोन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नोट वर्किंग यानि की ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुम यू हैव ब्रोट अपोन जो तुम अपने ऊपर खुद लाए हो योर वेरी ओन सेल्फ बाय नोट वर्किंग काम ना करके यानी कि तुम खुद ही इसको अपने हम्प को काम ना करके खुद ही लेकर आये हो टुडे इज थर्सडे आज थर्सडे है वीरवार है एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे और मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया है वेन द वर्क बिगैन जब काम शुरू हुआ नाउ यू आर गोइंग टू वर्क और अब तुम काम करने जा रहे हो यानी कि काम तुम्हें अब करना है हाउ कैन आई मैं कैसे कर सकता हूं सेट द कैमल कैमल ने कहा विद दिस हम्प ऑन माई बैक यानी कि अपनी पीठ पर इस हम्प को लेकर अब मैं काम कैसे कर सकता हूं दैट हैज पर्पज यानी कि इसका भी एक पर्पज है इसका भी एक उद्देश्य है ये जो हम्प है शरदा जिन जिनने कहा ऑल बिकॉज यू मिस्ड दो तुमने वो तीन दिन मिस कर दिए यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर थ्री डेज विदाउट ईटिंग और अब तुम्हें तीन दिन काम करना होगा विदाउट ईटिंग बिना खाए बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प क्योंकि तुम अपने हम्प पर अपने कुबड़ के सहारे जीवित रह सकते हो एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू डोंट यू एवर से और फिर कभी ये मत कहना आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ये मत कहना कम आउट ऑफ द डेजर्ट कि अब आओ इस रेगिस्तान से बाहर आओ एंड गो टू द्री और उन तीनों के पास जाओ एंड बिहेव और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो एंड द कैमल वेंट अवे टू द दू ज्वाइन थ्री और फिर कैमल उन तीनों के पास उनके पास चला एंड फ्रॉम दैट डे और उस दिन से टू दिस द कैमल उस दिन से टू दिस मतलब इस दिन तक द कैमल ऑलवेज वियर्स हम्प जो कैमल है वो हमेशा ही एक हम्प पहने होता है यानी कि उसका हमेशा ही तब से अब तक एक कुबड़ होता है वी कॉल इट हम्प नाउ और अब हम इसको हम्फ की वजह वज़ा, की बजाय हम्प कहते हैं नाउ नो टू हर्ट हिज फीलिंग्स ताकि ऊंट की फीलिंग्स ऊंट की भावनाएं हर्ट ना हो यानी कि उसकी भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे बट येट कोटक विद द थ्री डेज पर उसने कभी भी उन तीन दिनों को वो पकड़ नहीं पाया इट मीन्स कभी भी वो उन तीन दिनों के काम को पूरा नहीं कर पाया दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड जो उसने दुनिया के शुरू होने होते ही या शुरू होने पर जो उसने मिस किए थे उन तीन दिनों को वो अभी तक पकड़ नहीं पाया एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव और अभी तक उसने ये भी नहीं सीखा कि व्यवहार कैसे किया जाता है

हम्प uh, कहता रहा और इसने उसको कैसे प्रभावित किया वट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प जिन के अनुसार हम्प का क्या यूज था क्या लाभ था उसका ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव उसने आज तक भी बिहेव करना नहीं सीखा इन द लाइट ऑफ दिस इस संदर्भ में वट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल कैमल के बारे में राइटर यानी कि लेखक के क्या विचार हैं उेक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप फर्स्ट इज कैन दिस स्टोरी बी फैक्टि क्या ये कहानी फैक्ट के आधार पर सच हो सकती है सेकेंड वट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट आपके अनुसार कहानी किस बारे में है कंसिडर द फॉलोइंग हाउ द वर्ल्ड बिगेन दुनिया कैसे शुरू हुई वाई एवरी वन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली कि कैसे प्रत्येक को अपना काम सीरियस होके गंभीर होके अपने हिस्से का काम करना चाहिए हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूम्स और मनुष्य के लिए जो एनिमल्स uh, हैं वो कितने कैसे जरूरी हैं नेक्स्ट इज हाउ द कैमल गोट इज हम्प कैमल ने अपना हम्प कैसे प्राप्त किया क्वेश्चन नंबर थर्ड वट डिड यू डू एवर ओवर द वीकेंड इनके आप वीकेंड खत्म होने पर आप क्या करते हो वर यू जनरली एक्टिव और आइडल क्या आप उस टाइम एक्टिव होते हो सक्रिय होते हो या फिर खाली बैठे रहते हो प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन या फिर आंसर डिस्कस करने से शुरू करने से पहले अपनी बैक को देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर देयर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स काम करने वालों के दो कैटेगरीज होती हैं दो पार्ट होते हैं दोज हु प्रेफर टू डू टुडे यानी कि एक वो जो आज काम करना पसंद करते हैं वट दे कैन डू टूमोरो जिसको वो कल कर सकते हैं उसको आज करना चाहते हैं एंड दोज हु प्रेफर टू टू डू टूमोरो वट दे कैन डू टूडे और एक ऐसे हैं जो आज कर सकते हैं पर उसको कल पे टाल देते हैं वेयर डू यू बिलोंग आप इनमें से किस में बिलोंग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ you do you will do yourself tomorrow we will discuss the answer of these questions thank you